अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शहज़ाद। आप देख रहे हैं शहज़ाद अभी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी ऐप लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल का जो टच स्क्रीन है आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम अपने दोस्तों को या किसी भी इंसान को अपने मोबाइल में कोई चीज़ अगर दिखाते हैं तो अगर गलती से वो हमारे मोबाइल की गैलरी में या हमारे कॉन्टेक्ट्स में अगर वो घुस जाता है तो वो हमारी प्राइवेसी या हमारी जो पर्सनल मालूमात हैं उन तक वो पहुंच सकता है। तो इसी मसले से बचने के लिए मैं आपको आज एक बहुत ही बाकमाल और आसान ऐप के बारे में बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आप अपने मोबाइल का टच स्क्रीन ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप अपने किसी भी दोस्त को या किसी भी इंसान को या अपने घर में बच्चों को कोई भी चीज़ अगर दिखाना चाहते हैं तो वो टच स्क्रीन लॉक लगाने के बाद आप दिखा सकते हैं। तो इससे आपकी जो पर्सनल प्राइवेसी है या आपकी जो भी पर्सनल मालूमात आपके मोबाइल में मौजूद हैं वो भी सेफ़ रहेंगी और आपको परेशानी भी नहीं होगी कि हमारा डेटा लॉस हो गया या डेटा डिलीट हो गया या किसी बंदे ने हमारे डेटा तक रिसाई हासिल कर ली है। तो आप इन परेशानियों से बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे उस ऐप को अपने मोबाइल में यूज़ करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने मोबाइल के रूट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप बिना रूट किए अपने मोबाइल में टच स्क्रीन को ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप बिना मोबाइल को रूट किए अपने मोबाइल का टच स्क्रीन लॉक करना चाहते हैं तो वो इस ऐप की मदद से आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे ऐप को डाउनलोड करना है और कैसे उस ऐप को यूज़ करना है, कौन कौन सी सेटिंग करनी है और कहाँ से उस ऐप को डाउनलोड करना है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है। दोस्तों, प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने सर्च बार में टाइप करना है टच प्रोटेक्टर। दोस्तों, ये टाइप करने के बाद आपने सिंपली सर्च कर लेना है। दोस्तों, आप जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऐप आ जाएगी। तो आपने सिंपली इस ऐप पर क्लिक करना है। दोस्तों, आप जैसे ही इस ऐप पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपने इस ऐप को ओपन करना है। छोटी सी ऐप है, तकरीबन 2-2.5 MB की ये ऐप है, आसानी से आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ये डाउनलोड हो जाए तो आपने इसे सिंपली ओपन कर देना है। दोस्तों, जैसे ही ये ऐप ओपन हो जाती है तो इसका सिंपल सा यूज़र इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ से आपने सिंपली शेयर पर क्लिक करना है, जो नोटिस के आगे आपको दिख रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से शेयर लॉकिंग और शेक अनलॉकिंग, दोस्तों आपने इन दोनों ऑप्शन को इनेबल कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल होंगे तो आपने इन्हें इनेबल कर देना है और यहाँ से आप शेक सेंसिटिविटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ये 1.0 ग्रेविटी आपको दिख रही है तो मैं जैसे ही इसे शेक करता हूँ, ये देख सकते हैं मेरे मोबाइल की जो टच है वो लॉक हो चुकी है। अब मैं जैसे ही इसे यूज़ करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूज़ नहीं हो रहा। जैसे ही मैं ये बटन और ये वाला बटन यूज़ करके देखता हूँ दोस्तों, यूज़ नहीं हो रहा। तो आप इसी तरह अपने मोबाइल के टच को लॉक लगा सकते हैं और यहाँ से आप शायद सेंसिटिविटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसे बढ़ा देता हूँ, कम अज़ कम पहले मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ और यहाँ से दोस्तों मैं जैसे ही ग्रेविटी को बढ़ा देता हूँ
3.0 ग्रेविटी जैसे ही मैंने कर दिया तो मैं यहाँ से ऐसे अब ज़ोर से मुझे मोबाइल को शेक करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं फिर भी नहीं हुआ। अब देख सकते हैं 2.9 ग्रेविटी तक जो मोबाइल का सेंसर है वो पहुंच पाया है। अब मैं और ज़ोर से मोबाइल को शेक करके देखता हूँ। यह देखिए दोस्तों 3.8 ग्रेविटी तक पहुंचा है। अब मेरा मोबाइल लॉक हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखा दोस्तों, है ना कमाल की ऐप। और अब मैं इसे दोबारा से अनलॉक करके देखता हूँ। जैसे ही मैंने इसे ज़ोर से शेक किया तो ये देख सकते हैं अनलॉक हो चुका है। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जो ये ग्रेविटी है इसे आपने 1.0 यहाँ पर आपने से सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने बैक चले जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 1.0 ग्रेविटी सेलेक्ट की थी और शेक लॉकिंग यानी कि मैं जैसे ही शेक करूँगा तो मोबाइल की जो टच स्क्रीन है वो लॉक हो जाएगी। और शेक अनलॉकिंग जैसे ही मैं इसको इनेबल करूँगा तो मैं उसके बाद मोबाइल को जैसे ही शेक करूँगा तो ये मेरा मोबाइल जो टच स्क्रीन है वो अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक और जगह पर टेस्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ से बैक गया दोस्तों, ये देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल की डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ और यहाँ से मैं मोबाइल को शेक करके देखता हूँ। ये देखिए दोस्तों मोबाइल लॉक हो चुका है। अब मैं दोबारा से इसे शेक करता हूँ, ये देखिए दोस्तों अनलॉक हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपने इस ऐप में एक और सेटिंग को इनेबल करना है तो उसके लिए आपने टच प्रोटेक्टर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से जो अपसाइड डाउन इसको आपने ऐसे स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपने एडवांस पर क्लिक कर देना है। सॉरी दोस्तों, उसके बाद आपने एडवांस पर क्लिक नहीं करना बल्कि आपने लॉक डिज़ाइन आपने इस पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपने यहाँ से करंट लॉक डिज़ाइन आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने नो फ्रेम पर क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल पर क्लिक हुआ होगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, आपने इसे यहाँ से हटा देना है। दोस्तों ये जैसे ही हट गया अब मैं आपको शेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों शेक हो चुका है। अब यह आपको एक फ्रेम दिख रही होगी तो आपने अगर इस फ्रेम को हटाना है तो आप दोबारा से अपने मोबाइल को अनलॉक करें और यहाँ से नो फ्रेम पर क्लिक कर दें। दोस्तों आप जैसे ही नो फ्रेम पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से ऐसे हटा देना है। अब मैं शेक करता हूँ, देखिए कोई डिज़ाइन वगैरह कोई फ्रेम नहीं है। अब मैं दोबारा से शेक करता हूँ, ये देख सकते हैं अनलॉक हो चुका है। दोस्तों इसी तरह आप इस अमेजिंग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने मोबाइल का जो टच है उसे लॉक लगा सकते हैं। उसके बाद चाहे आप अपने दोस्तों के हाथों में अपना मोबाइल दे दें तो वो ये देखकर हैरान हो जाएगा कि मोबाइल को लॉक भी नहीं लगाया तो मोबाइल यूज़ क्यों नहीं हो रहा। तो आप इसी तरह इस ऐप का इस्तेमाल करके अगर अपने बच्चों को कोई भी कार्टून वगैरह या कोई भी वीडियो दिखाना चाहते हैं तो आप मोबाइल का जो टच है उसे लॉक लगाकर अपने बच्चों को मोबाइल देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप एक मर्तबा अपने मोबाइल में ज़रूर यूज़ करें। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।